नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट वित्तालोक में। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं इसलिए क्योंकि यूपी टेट की आंसर की जब से आई है, आप भी बहुत सारे सदस्यों ने जिन्होंने संस्थान में पढ़ाई की थी, इन दोनों बैचेज में जो इस बार संचालित हुए, मैसेज किए, संदेश किए, फोन किए कि सर 110, 115, 106, 112, 120, 122, 100, 94, 98, बहुत सारे सदस्य पास हुए हैं, क्वालिफाई बहुत कर गए हैं और बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। तो ये प्रसन्न होने का समय है और मैं सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक की तरफ से। सुपर टेट के लिए भी आप परेशान हो रहे हैं, जूनियर की जो वैकेंसी आई है 4000 पद उसके लिए भी आप परेशान हो रहे हैं। मैं सब पे वारी वारी से बात कर रहा हूं। पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, खंड शिक्षा अधिकारी का जो बैच संचालित हो रहा था उसमें पहले जो एंट्री नंबर आप लोगों को दिया गया था, आप में से बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो एंट्री नंबर किसी कारणवश बंद करना पड़ा संस्थान को और नया एंट्री नंबर मैंने रटलो वाले वीडियो में भी जारी किया था और यहां पे भी मैं जारी कर रहा हूं। ये खंड शिक्षा अधिकारी के जो महत्वपूर्ण 50 से 55 दिन बचे हैं, आपकी परीक्षा 22 मार्च को है, उसके लिए अगर आपको प्रवेश सुनिश्चित कराना है, आपने किसी नंबर पर एंट्री भेजी और आपको रिप्लाई नहीं मिला है, तो ये नया एंट्री नंबर है, आपको इस पर व्हाट्सअप करना है एंट्री बीओ लिखकर, और जैसे ही आप एंट्री बीओ लिखकर व्हाट्सअप करेंगे आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। तो जो भी सदस्य लगातार इसमें प्रवेश चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड है, पहले तो ये महत्वपूर्ण सूचना कि वो इस नंबर पर एंट्री बीओ लिखकर व्हाट्सअप करें या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर फोन करके आप जो है अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। दूसरी बात देखिए, सुपर टेट आप लोग इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? अभी तो कोई पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं हुआ, पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया भी चल रही है, जूनियर का भी नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं आया। अगले दो दिन में संस्थान में मैं स्वयं इस परीक्षा से संबंधित बैचेज को अनाउंस करूंगा, इनकी क्लासेस शुरू करूंगा, लेकिन हड़बड़ी में हम ऐसे ही बिना लक्ष्य के कोई बैच प्रारंभ नहीं करना चाहते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो सदस्य हमारे रहे हैं उनके लिए हम पूरे कर्तव्य से उस बैच को प्रारंभ करें जिस बैच की आप जो है जिस बैच का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि पहले पाठ्यक्रम और शर्तें निश्चित हो जाए। अगले दो दिन का समय लगेगा इन चीजों में और दो दिन के बाद संस्थान उसी गुणवत्ता से जिस प्रकार सीटेट, सुपर टेट, पुराने दोनों टेट और नए दोनों टेट चलाए हैं और सिलेक्शन की दर बहुत शानदार है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसी प्रक्रिया में हम सुपर टेट और जूनियर दोनों के लिए बैच लेके आएंगे, दोनों के लिए बैच लेके आएंगे। बस दो दिन का आप इंतजार करिए, कहीं भटकने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिना पाठ्यक्रम के बैच प्रारंभ नहीं किए जाते, दो दिन का समय दें, हम भी पता लगाने जुटे हुए हैं और अच्छी शानदार फैकल्टी के साथ हम आपको बैचेस देंगे। खंड शिक्षा अधिकारी का बैच संचालित हो रहा है, डेली 5 से 7 क्लासेज आपकी डेली जा रही हैं, बैच वेबसाइट पर है, जो सदस्य देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। हालांकि आज जो है बैच में छुट्टी थी क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है तो आज तो पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन लगातार 7 से 8 क्लासेज उस बैच में डेली जा रही है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जो सदस्य जुड़ना चाहते हैं आप सभी आए, और जो सदस्य यूपी टेट में हमारा नाम बहुत मतलब गौरवान्वित किए हैं, हम तहे दिल से आप लोगों को जो है प्रेम, स्नेह और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम गदगद हैं, हमारी पूरी टीम गदगद है और इसी तरह का रिस्पांस हमें सुपर टेट और जूनियर के 4000 पदों में भी देना है। हम कमर कस चुके हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। सुपर टेट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने दूंगा, पिछले साल भी चैलेंज दिया था, इस साल भी चैलेंज दे रहा हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।